जनता की सेवा करने की बात करने वाले नेता हमेशा अपने भाषण और अपने शब्दों से पहचाने जाते हैं। उनका जनता के बीच बने रहना या जनता के मन में उतर जाना, यह सब नेताओं की भाषा पर निर्भर करता है। मंच से वह कितना अच्छा वक्तव्य दे रहे हैं, यह जनता बड़े ही ध्यान से सुनती है। और अब सोशल मीडिया के जमाने में वह वक्तव्य कई दिनों तक, कई सालों तक सोशल मीडिया में घूमता रहता है। पर समय के साथ साथ नेताओं की वाणी भी दूषित होती जा रही है। समय समय पर बहुत से ऐसे क्लिप आते हैं जिसमें नेताओं के बोल आपत्तिजनक होते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनपसंद ऐप को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया, जिसके बाद अजय चंद्राकर ने कहा कि मैं सोचता था कि भूपेश बघेल मर्दों जैसी राजनीति करते हैं, वो टेस्ट कराए मर्द है या नहीं। मैं सोचता था कि भूपेश बघेल मर्दों जैसी राजनीति करते हैं, उसमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं, ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। और एक साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाके फिर टेस्टेरॉन टेस्ट कराएं, मर्द है कि नहीं है इसको देखें। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि एक जारी करने के बाद आखिर वो क्या करना चाह रहे। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो सभी एक कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता तक मर्द है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना सिर्फ अकेला विजय बघेल ही मर्द है, उसके अलावा कोई भी वह मर्द नहीं है। ये अजय चंद्राकर जी को अच्छे से पता है, अगर उनकी मर्दानगी पे शक है तो जाके भूपेश बघेल जी के पास बंद कमरे में बैठ जाए, दोनों आपस में बात कर ले, तब पता चलेगा अजय चंद्राकर जी को। लेकिन इस तरह का बयान स्वच्छ राजनीति और लोकतंत्र में मैं समझता हूं ये उचित नहीं है।